नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं गरिमा भारती। लाइव सिटीज आपको लगातार खबरें दिखा रहा है किस तरह से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। परसों ही खबर आई कि 55 किलो सोना लूटा गया, लगभग 21 करोड़ की लूट हुई वैशाली में। आज भी बिहार के अलग अलग कोनों से लूट की खबरें, अपराध की खबरें आ रही है। क्या कुछ खबर है, हम जानेंगे रोशन से। जी देखिए, बिल्कुल गरिमा, ये सही बात है। बिहार में क्राइम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल है। पुलिस किसी भी तरीके से कमान नहीं कस पा रही है। जितनी भी घटनाएं बिहार में हो रही हैं, लगातार पुलिस किसी भी घटना पे, हालांकि ये कहना अलग बात है, DGP कह देते हैं कि ये हमारी जो पुलिस है, बिहार की पुलिस है, UK और कनाडा के बराबर की पुलिस है, लेकिन ये दिख रहा है कि किस तरीके से खुली चुनौती दे रहे हैं पूरे बिहार में। अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और पुलिस कुछ भी कर पाने में नाकामयाब है। आज भी कई बेगूसराय के अंदर में दो घटनाएं हुई है। बता दें कि बेगूसराय वही जिला है जहां पिछले दिनों 36 घंटे के अंदर कई हत्याएं, लगभग 8 हत्याएं भी हुई थी, और अब आज की तारीख में दो लूट की घटनाएं लगातार एक ही जिले में, एक ही शहर में हो रही है, जो एक नगर थाना इलाके की घटना है। नगर थाना इलाके में DM आवास के पास प्रखंड प्रमुख की गाड़ी से 3,66,000 रुपए निकाल लिए गए। प्रखंड प्रमुख का कहना है कि ये पैसा निकाले गए थे पंजाब नेशनल बैंक से, ताकि प्रखंड की जो ब्लॉक की जो चार दीवारी है, जो बाउंड्री है, उसको बनवाना था, उसको बनवाने के लिए पैसे निकाले गए थे। लेकिन जब वो पंचायत पदाधिकारी से मिलने गए, इसी दौरान उनके बोलेरो गाड़ी का जो शीशा है वो तोड़ दिया गया और तोड़कर उसमें से पैसे निकाल लिए गए। ये DM आवास के पास की घटना है, तो आप समझिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी के आवास के पास इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। बिहार में किस तरह की कानून व्यवस्था है, कैसे पुलिस काम कर रही है। दूसरी घटना बेगूसराय की ही है, जो रतनपुर थाना की है, थाना इलाके की है। GD कॉलेज के पास ये घटना हुई, जहां एक महिला शिक्षिका से 4,45,000 रुपये लूट लिए गए। 4,45,000 रुपये महिला ने निकाले थे बैंक से। महिला के अनुसार रजिस्ट्री, ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी थी, इसके लिए निकाले गए थे। और इस दौरान जब वो बैंक से उसने जब पैसा निकाला, उसके बाद वो अपने बच्चे के लिए किताब खरीदने जा रही थी, इसी दौरान उससे जो लुटेरे हैं उन्होंने उस छीन लिया और छीन करके फरार हो गए। तो ये दो घटनाएँ बेगूसराय में हुई। इसके बाद जो घटना आपको बता रहे हैं वो गया में है, जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को गोली मार दी गई लूट के दौरान। हालांकि अभी कितनी रकम की लूट हुई है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गोली मारकर लूट की घटना की हुई है। दूसरी जो घटना है वो छपरा की है, जहां एकमा SBI में दिन दहाड़े घुसकर ब्रांच में, भोरहोपुर ब्रांच में घुस करके 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और आप समझिए कि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 5 लाख कैश उस वक्त बैंक में मौजूद रहा होगा, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं कि कितना कैश बैंक में मौजूद था। अब 5 अपराधी घुसते हैं, बैंक के जो कैशियर हैं और जो मैनेजर हैं उसको बंदूक के बट से मारकर घायल भी कर दिया गया। ये आज की घटनाएं हैं जो लूट की बिहार में हो रही हैं। इसके अलावा हमने बताया है, हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये बताते रहते हैं कि किस तरह से बिहार में फाइनेंस कर्मी, CSP संचालक, ये सब जो हैं लगातार अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट हैं। इनसे लूट की हर रोज़ ये खबरें दिखा रहे हैं। हर रोज़ CSP संचालक और फाइनेंस कर्मी से कहीं ना कहीं की दिनों जो बिहार की सबसे बड़ी लूट हुई वो भी मुथूट फाइनेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस पे कमान नहीं कस पा रही है। अच्छा रोशन, ये तो घटनाओं की बात थी कि ये सारी घटनाएं घटी है, लेकिन पुलिस का एक्शन क्या है इस पर, ऐसी कोई खबर? देखिए, पुलिस लगातार एक्शन लेती रहती है, हालांकि घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन संतुष्टि, जो सैटिस्फैक्ट्री कार्रवाई है, वो कहीं पर भी, क्योंकि कार्रवाई होने का मतलब आना चाहिए। हालांकि आरग में जो लूट कांड हुआ था, जिसमें 30 लाख रुपए लूटे गए थे, उसमें आज एक नई बात आई है, वो ये है कि एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। तो कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं, हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद अगर ये घटनाएं हो जा रही हैं, या वारदातें हो जा रही हैं, तो पुलिसिया इकबाल ख़त्म हो गया है, इससे इनकार करना नामुमकिन है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो एक दिन में, एक राज्य में इतनी सारी आपराधिक घटनाएं होना कोई छोटी बात नहीं है। सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है कि पुलिस की इतनी चौकसी के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं किस तरह से घट जाती है, और एक सवाल इंसानियत पर भी,
कि पहले लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे कि विदेशी आक्रमणकारी आकर हमारे देश को लूट कर जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण देश के लोग, अपने राज्य के लोग, अपने लोगों के प्रति इस तरह से बागी हो रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इन खबरों पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।